गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज का पेपर हमारा हरियाणा का सबसे लेटेस्ट जो पेपर हुआ अभी जेई का, लेटेस्ट पेपर हरियाणा जेई का अभी रीसेंट, इसके इंटरव्यू, इसकी डेटा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करा गया है। तो आज हम सबसे लेटेस्ट पेपर करने लगे हैं जो भी हेल्ड हुआ है हरियाणा का। स्टूडेंट्स जुट रहे हैं साथ में, गुड। वॉइस ऑडिबल है? लेट इज द लेटेस्ट पेपर, रिसेंटली हुआ है। गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग गुरबेज। रिसेंटली हुआ है, किसी ने दिया होगा। इस पेपर में 1200 प्लस जेई की पोस्ट थी, इसमें सिविल की, बट इस पेपर में एक ट्विस्ट निकला। इन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस काफी कम पाए, नॉन टेक को ज्यादा सपोर्ट करा। टेक्निकल क्वेश्चंस काफी कम है, नॉन टेक को ज्यादा, बट हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्निकल, वो निकाल के देखने की अगर वो टेक्निकल क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पाते या नहीं हो पाते। आज हम उसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को, राइट? हाँ जी, बिल्कुल कम आए थे, काफी कम क्वेश्चन आए थे संजय, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बट लेटेस्ट पेपर है इसलिए हमने उठाया कि लेटेस्ट ट्रेंड हरियाणा का किस तरह से होता है। जैसे हमने हिमाचल के पेपर्स करे थे सॉल्व पंजाब के, अब हम एक हरियाणा का उठा के देख रहे हैं, राइट? तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन इनफ जो रिपीट हो रहे हैं, आप ये देखना रेपिटेशन। अभी हमने सिर्फ दो या तीन पेपर्स ही करे हैं लास्ट कुछ दिनों में, देखते हैं क्वेश्चन कितने रिपीट हो जाते हैं उसमें से। सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैसनरी कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एक्यूरेटली ड्रेस स्टोन विद एक्सट्रीमली फाइन बेड एंड एंड जॉइंट्स आर कॉल्ड। मैसनरी कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ एक्यूरेटली ड्रेस स्टोन विद एक्सट्रीमली फाइन बेड एंड एंड जॉइंट्स आर कॉल्ड। एशलर, रेंडम रबल, स्क्वेयर रबल या फ्लिंट, ए बी सी डी। तो इनमें से बताना है आपको, इन चारों में से क्या ऑप्शन लगती है आपको। राहुल जी, ओके, राहुल जी का आंसर आ चुका है। ओके आते जी, गुड। देखिए इसको हमेशा याद रखना, बड़ी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना। जो बंदा ऐश करता है, इसके हिंट देते हैं, आज हिंट से ही स्टार्ट करते हैं। जो बंदा ऐश करता होगा, ठीक है, वो बन ठन के रहता होगा, मतलब कपड़ों कपड़ों पे पैसे पुसे खर्चता होगा, ड्रेस्ड रहता होगा, नए नए फैशन को फॉलो करता होगा, राइट? तो याद रखिएगा, जब भी वर्ड आए ना ड्रेस्ड स्टोन, मतलब प्रॉपरली ड्रेस्ड है, वो बंदा क्या कर रहा है, ऐश कर रहा है। तो प्रॉपरली ड्रेस्ड वर्ड आ गया, ऐश कर रहा है, ऐश मीन्स एशलर मेसनरी। एशलर मेसनरी कौन सी होती है मेरी, एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन बेड एंड जॉइंट्स होते हैं। तो याद करने का तरीका मेरे पास क्या हिंट है इसकी, एशलर मेसनरी की ये चीज है, राइट? याद रखिए, अब से जब भी ड्रेस्ड वर्ड आए एशलर पे आंसर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कल परसों के पेपर में रिपीट हुआ था। ली चैटर मेथड यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं हम ली चैटर मेथड से, फाइनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साउंडनेस या सेटिंग ऑफ सीमेंट, बताइए। क्या चीज करी जाती है ली चैटर मेथड से, ली चैटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। सौरभ गुड, साउंडनेस, संजय गुड, पंकज आप भी आ गए, वेरी गुड। साउंडनेस, ली चैटियर से क्या करते हैं, साउंडनेस, गुड आरती, साउंडनेस करिए। अगर मैं पूछ लूं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, गुड सीमा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। कल के पेपर में हमने पढ़ा था इसको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कौन सा वो होता है, गुड हनी, गुड, वेरी गुड, बताइए।
कल के पेपर में ही पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा हुआ था कि ये मेथड क्या निकालने के काम आता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए किससे निकालेंगे। कल के पेपर में पूछा था ना, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालेंगे। गुड सौरभ, गुड, वेरी गुड। यस, कल क्या पढ़ा था हमने, पिकनोमीटर मेथड क्या निकालने के काम आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट निकालने के भी काम आता था। ऐसी सेटिंग टाइम निकालने के लिए कौन सा अपरेटस होता है, सेटिंग टाइम निकालने के लिए अपरेटस कौन सा यूज होगा बताइए। सेटिंग टाइम, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, सेटिंग टाइम निकालने के लिए कौन सा अपरेटस यूज करा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड अनु, वेरी गुड सौरभ। विकट अपरेटस, विकट अपरेटस। चलो इतना भी याद हो गया हमें, ये भी याद हो गया, पिकनोमीटर भी याद हो। मुझे बताओ साउंडनेस का कोई और मेथड, विकट, वेरी गुड। अब साउंडनेस का कोई और मेथड, काफी स्टूडेंट्स जुड़े हैं आज की क्लास में, साउंडनेस का कोई और मेथड बताइए। ठीक है जी, वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं, पंकज, हनी, सीमा। अब बताइए साउंडनेस का कोई और मेथड भी मुझे पता होना चाहिए। वेरी गुड अनु, साउंडनेस का एक और मेथड होता है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव मेथड होता है साउंडनेस निकालने के लिए। वेरी गुड, ऑटोक्लेव। मुझे अब इसी से एनवायरनमेंट में बताइए, हमने कल के एक पेपर में परसों देखा था, परसों जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो एक ऑटोक्लेव मेथड होता था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट में क्या चीज डिकम्पोज करने के काम आता था ये। अगर याद होगा क्लास ही हमारी इस टॉपिक से स्टार्ट हुई थी, पहले ही क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था हिमाचल के। ऑटोक्लेव मेथड तो सही बता रहे हैं, एनवायरनमेंट में ऑटोक्लेव मेथड किसके काम आता है, ये तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से था ना। मनीष जी गुड इवनिंग, हाँ जी बताइए। वेरी गुड, बायोमेडिकल वेस्ट, हमने कहा था जो हॉस्पिटल से निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट वो निकालने के काम आता है, एनवायरमेंट से आएगा तो बायोमेडिकल वेस्ट विल बी द आंसर। ठीक है जी, ठीक है, गुड, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। नॉन टेक काफी पार्ट आया था इसमें, टेक्निकल के क्वेश्चंस कम है, पर जितने क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे सारे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व इज कॉल्ड, अगर दो कंपाउंड कर्व है उसके बीच में कर्व डालोगे तो उस कर्व को क्या कहा जाता है। That curve is called. Transition curve. उस curve को क्या कहा जाता है? Transition curve. काफी papers में question आया हुआ है. That curve is called transition curve. ठीक है जी, फिर technical question देखते हैं इसमें, फिर non-tech के question ज्यादा। ये आ गया मेरा एक technical question railway से, कल हमने इसका न्यूमेरिकल करा था, आज थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारी क्लास इसका आंसर सही दे जिन्होंने कल की क्लास लगाई है, क्योंकि कल मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाया था आपको, हिमाचल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था। द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इन मीटर रिप्रेजेंट, गुड गुड राम, गुड हनी, गुड ठाकुर जी, गुड मनीष, सारों का आंसर सही है। अब इसका आंसर बताइए, द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इन मीटर्स रिप्रेजेंट, गॉज डेंसिटी, रेल डेंसिटी, ट्रैक मॉडुलस या स्लीपर डेंसिटी। रजत जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कल की क्लास में अगर आपने लगाई होगी तो हमने समझाया था, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी होती है। रेल लेंथ, अगर रेल लेंथ बात करूं मैं, ब्रॉड गेज की रेल लेंथ कितनी होती है, 12.8 मीटर, कल न्यूमेरिकल करा था ना हमने इसके ऊपर, और स्लीपर डेंसिटी दे रखी थी N+6, वहां से हमने निकाला था 1024 मीटर की वो रोड थी, ये स्लीपर डेंसिटी। गुड जी, गुड, सही है जी आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं टेक्निकल मेरा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन टेक काफी आया हुआ है, 12.8 था। ठीक है जी, सही बता रहे हैं। हाँ जी, इसके ऑप्शंस मैं यहीं पे दे देता हूँ आपको। बैलेंस्ड, नन ऑफ द, बड़े पेपर्स में क्वेश्चन आता है, एसएससी जेई में भी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आए। इन अ लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन ऑफ आरसीसी, इफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू, तो कौन सा वो होगा, तो कौन सा इन्फो सेक्शन होगा, ये बताना है आपको। बड़े पेपर में आता है क्वेश्चन, काफी फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन ये वाला। ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही दे दिए। हाँ दो आंसर्स आ गए हैं, संजू आशीष ओवर, बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। पंकज गुड, गुड अग्रोता जी, वेरी गुड। क्या थे? तो देखो अब आप इसमें ना, हम इसी से हम कुछ कुछ याद कर लेते हैं चीजें, क्या क्या चीजें हम इससे याद कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होते हैं। एक्चुअल, अभी मैं आपको 5 मिनट में इसको ऐसे याद कराऊंगा कि हमें हर पेपर में ये याद रहे क्या होगा। एक्स एक्चुअल, वैसे एक्स एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। फिर होता है मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्स क्रिटिकल, एक्स क्रिटिकल टोटली ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, 0.53 D4 Fe 250, सारे कोड के क्लॉज हैं, 0.48 D4 Fe 415 और 0.46 D4 Fe 500, 0.53 D, 0.48 D, 0.46 D, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये कोड पे डिपेंड करता है। उसको याद करने का तरीका, मेरे पेपर में 100 में से 82 मार्क्स मैं कहता हूँ क्रिटिकल है, मेरा टारगेट, अगर मैं 82 के ऊपर आऊंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो 100 में से 82 क्या हो गया मेरे लिए, क्रिटिकल, क्रिटिकल मार्क्स है। अगर इसके नीचे आ रहा तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, मुझे अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। और एक्चुअल में आप कहाँ पे लाई कर रहे हो वो सारे केसेस डिपेंड करता है। अब आपका टारगेट क्रिटिकली तो था 82 का, आप एक्चुअल में स्कोर कर पाए 60, 60 मतलब एक्चुअल में क्या स्कोर कर रहे हो, 60, तो आपके लिए अंडर है बात, ओवर है बात या बैलेंस है, ये याद रखना है हमें। क्रिटिकली क्या था याद रखेंगे इसी लॉजिक से, 82 मार्क्स, मैं उससे नीचे रह गया, 60 मार्क्स स्कोर पाया, कर पाया, तो मेरे लिए बात क्या होगी, वो अंडर। अगर मैं 82 ही 82 स्कोर कर गया तो मेरे लिए बात क्या है, बैलेंस, जितने मैंने सोचे थे सिलेक्शन के लिए उतने मेरे आ भी गए। अगर 82 से गलती से 87 आ जाए तो मेरे लिए बात क्या हो जाएगी, ओवर। बस वही केसेस आपको याद रखने हैं। अगर एक्स एक्चुअल में अगर आप क्रिटिकल से पीछे रह जाते हो तो आपके लिए क्या बात हो जाती है, अंडर रिन्फोर्स्ड, क्या बात हो जाती है आपके लिए, अंडर रिन्फोर्स्ड। अगर एक्स ए के बराबर आ जाते हो तो आपके लिए क्या बात हो जाती है, बैलेंस्ड एक्चुअल में, और एक्चुअल में अगर आप क्रिटिकल से आगे निकल जाते हो तो क्या होगा, ओवर रिन्फोर्स्ड। अब एक्चुअल में क्या हो रखा है, क्रिटिकल से क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया लिमिटिंग से, तो ओवर रिन्फोर्स्ड इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर रिन्फोर्स्ड, आंसर क्या होगा इसका, ओवर रिन्फोर्स्ड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यही हमने सेक्शंस देखे थे, अंडर ओवर बैलेंस। ये मेरा जितने पेपर्स अब तक हमने सॉल्व कर रहे हैं उतने पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो अब इसका तो मुझे लगता है आपको एक झलक में देख के आंसर बता देना चाहिए। जिन्होंने पहले डे से सारी एईजे की क्लासेस लगाई हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनका 5 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन आया। इसको एक्सपेक्ट करता हूँ मैं 5 सेकेंड में इसका आंसर, इससे ज्यादा ले रहे हो तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस का हमें फायदा नहीं हो रहा। गुड आशीष, गुड विशाल, हर पेपर में आया, देखो हरियाणा में आ गया, पंजाब में आ गया, हिमाचल में आ गया, गुड। अब तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वर्ड देखते हैं सीधा, स्लो स्लो हो रहा है भाई, तो स्लो हो रहा है तो क्या होगा,
रिटार्डर, स्लो रहा तो क्या होगा, रिटार्डर होगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही आना चाहिए। तो ये पेपर में क्या होगा, देखो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 दिन से ये क्लासेस के बारे में, 4 दिन से हमने क्लासेस चलाई है एईजेई की, तो क्या हो रहा है जितनी बार आप पेपर सॉल्व कर रहे हो आपको एक आइडिया बन रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका आंसर रिटार्डर होगा। तो वहां पेपर में क्या होगा, आपको एक पूरी डेफिनेशन पढ़ने में भी आपको 7 या 8 सेकंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिखेगा स्लो, आप रिटार्डर पे टिक करोगे, अगला पेपर बचाओगे, अगले क्वेश्चन में टाइम बचाओगे अपना। राइट, इजी है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डिजोल्व सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डिजोल्व सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट अंडर एरोबिक कंडीशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अंडर एरोबिक कंडीशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ए सी ओ डी, बी टी ओ डी, सी टी एच ओ डी, ओ डी बी ओ डी, बताइए इनमें से क्या होगा जी आंसर। बीओडी, बीओडी, वेरी गुड, वेरी गुड संजू, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ। बीओडी, बीओडी स्टैंड फॉर, पहले मुझे एरोबिक का मतलब बताइए, एरोबिक मतलब क्या होता है, पढ़ा था ना कल हमने, तो एरोबिक का मतलब क्या होता है। गुड, सही है जी, गुड। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जी आज हरियाणा का ही पेपर करेंगे सॉल्व, रोज एक पेपर उठाना है तो यही पेपर सॉल्व करेंगे, इजी है पेपर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक। अब बीओडी का मुझे आप ये बता सकते हो भाई, क्या इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर था और क्या इसके स्टैंडर्ड डेज थे चेक करने के, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड डेज बता सकते हो। एरोबिक तो हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बीओडी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेते हैं और एक स्टैंडर्ड डेज पे लेते हैं, वो बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस और डेज कितने होते हैं 5, इस पे देखिए दैट इज स्टैंडर्डाइज, इस पे हमारा क्या करा जाता है, स्टैंडर्डाइज करा जाता है। ठीक है जी, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे से क्वेश्चन आया है, द लेवलिंग अडॉप्टेड टू डिटरमाइन लेवल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप लेवल मिडवे इज कॉल्ड, कि मतलब मिड में हम कोई लेवल नहीं लगा सकते। गुड जी, गुड सैयद, गुड ठाकुर जी, गुड सौरभ, वेरी गुड, सही आंसर है। अब नेक्स्ट पे आ गए हम, द लेवलिंग अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द लेवल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप लेवल मिडवे बिटवीन द टू पॉइंट इज, प्रोफाइल, रेसिप्रोकल डिफरेंशियल या चेक लेवलिंग। वेरी गुड, रेसिप्रोकल लेवलिंग करी जाती है इस चीज के लिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर ये हरियाणा का आपने पेपर दिया होगा तो मुझे लगता है कि इसमें 10 मिनट के अंदर पूरा टेक्निकल खत्म कर देना चाहिए था। चलिए अगला बताइए, हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन है, डैट इज एन नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज। नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज मतलब नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज कह सकते हैं इसको, कौन सी नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज है और कौन सी रिकॉर्डिंग रेन गॉज है। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी पेपर्स में हमें दिख जाता है। साइमंस, आशीष जी का आंसर आ चुका है साइमंस। ठीक है जी, आज का पेपर इजी लग रहा है तभी काफी आंसर्स आ रहे हैं। साइमन, साइमन इज अ नॉन रिकॉर्डिंग, तो अगर ये नॉन रिकॉर्डिंग है बाकी सारे क्या होंगे, ये वेइंग, टिपिंग और फ्लोट क्या है, रिकॉर्डिंग रेन गॉज होते हैं। क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गॉज। ठीक है जी, वेरी गुड, 32 का सी सही बताया आपने। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं, सहानपुर इन द
काफी नॉन टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन था ये। आ गया जी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन कंज्यूम्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज बिफोर एनी डिसइंफेक्शन इज अचीव्ड, बिफोर एनी डिसइंफेक्शन इज अचीव्ड, तो क्या होगा? रेजिडुअल होगा, ए बी क्लोरीन होगा, सी फ्री क्लोरीन होगा, या डी टोटल क्लोरीन होगा? बताइए, इजी है क्वेश्चन काफी। कितना क्लोरीन क्या का कंज्यूम हो गया? गुड गुड उर्ज्ञान जी, वेरी गुड। देखिए कितना क्लोरीन कंज्यूम हो गया, वो क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ क्लोरीन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज बिफोर एनी डिसइंफेक्शन इज अचीव्ड, मतलब जितना आपने अप्लाई करा, अप्लाई क्लोरीन माइनस रेजिड्यू क्लोर, रेजिड्यू मतलब सारा ही रेजिड्यू हो चुका है, ठीक है? तो आपका वो क्लोरीन कौन सा हुआ? वो क्लोरीन हुआ आपका क्लोरीन डिमांड। आपने 5 मिलीग्राम पर लीटर करा और उसके बाद क्या हुआ? 3 रह गया, तो 2 की क्या हुई मेरे पास, दूसरे पॉइंट पे 2 की क्या हुई? डिमांड होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरीन डिमांड। अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। मेरा यहां से क्वेश्चन हो रहा आपसे, अगर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन अचीव हो जाए, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का एक कर्व होता था, अगर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन अचीव हो जाए उसके बाद जो क्लोरीन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शंस यही रहेंगे। अगर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद पूछ लेता, ठीक है जी करण जी आंसर सही है, बट अब इसका आंसर देखिए, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद अगर पेपर में ये पूछ लेता तो आंसर कौन सा आता? उसके बाद जो क्लोरीन रह जाता है वो कौन सा रह जाता है? हाँ जी दिलवार जी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हाँ देखिए, अब समझिएगा, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होगा, अगर आप 5 मिलीग्राम पर लीटर सप्लाई कर रहे हो तो दूसरे पॉइंट पे, पाइप ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे भी 5 मिलीग्राम पर लीटर ही क्लोरीन बाहर आ जाएगा। 5 मिलीग्राम पर लीटर आपने उसके बाद सप्लाई करा और 5 मिलीग्राम पर लीटर ही वापस आ गया। देखिए पहला केस क्या था, 5 का आपने सप्लाई करा, यहाँ पे कितना रह गया? 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो 2 मिलीग्राम पर लीटर की तो क्या होगी मेरी? डिमांड होगी। 2 मिलीग्राम पर लीटर की तो मेरी क्या होगी? डिमांड। पर रह कितना गया? 3 मिलीग्राम पर लीटर पीछे रह गया था, तो वो मेरा रेजिडुअल क्लोरीन था कि जितना रह गया। बट यहां पे तो क्या है, 5 की सप्लाई करी और 5 ही बाहर आ गया, तो इस टोटल क्या है? क्लोरीन फ्री क्लोरीन है। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद जो क्लोरीन रह जाएगा दैट इज कॉल्ड फ्री क्लोरीन, तो वो क्या रह जाएगा आपका? फ्री क्लोरीन रह जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन टेक्निकली। पर्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है, पर्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट? पर्ट स्टैंड्स फॉर, बताइए इसका आंसर। बड़े पेपर्स में आता है, जब भी सीपीएम पर्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो ये इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। काफी बार पूछी जाती है। वेरी गुड आरती जी, आशीष जी, रघुरोता जी, उर्गेन, सबका आंसर सही है, गुड। तो प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहा जाता है। पेपर इजी है आज का, हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसके साथ हम कितने पॉइंट्स और याद कर सकते हैं, वो ज्यादा पॉइंट्स याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पर्ट, पर्ट के हम यहाँ से 5 पॉइंट ऐसे याद करेंगे ताकि क्या हो, जब भी पर्ट से क्वेश्चन आए तो मुझे पता हो कि मेरा आंसर क्या होगा।
तो पर्ट में पहली चीज क्या होती है, ये R&D प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। अगर याद करने का तरीका अभी याद कर लेंगे साथ साथ वीडियो में, इसको पर्ट के स्पेलिंग तो नहीं भूलोगे, PERT, तो इसी से सारे आंसर्स निकालते हैं, यहीं से सारे आंसर्स निकालते हैं, R&D भी छोड़ देते हैं P से। अब P से क्या कह रहा है वो, P से कह रहा है ये प्रोबेबिलिस्टिक है नेचर में। कैसा है नेचर में? प्रोबेबिलिस्टिक है नेचर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर मूव करता है। इसमें एक्सपेक्टेड टाइम जो निकालते हैं, कल ऑब्जेक्टिव भी आया था इसके ऊपर, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6, प्रोबेबिलिस्टिक होता है नेचर में, तो भी याद कर लेंगे इसको पी से प्रोबेबिलिस्टिक। ई से क्या कहता है? ई से कहता है भाई मैं एक इवेंट ओरिएंटेड हूं, मैं एक इवेंट ओरिएंटेड हूं। ई से क्या मुझे बताया जाता है? मैं एक इवेंट ओरिएंटेड हूं। आर से, R&D प्रोजेक्ट्स, आर से क्या बता रहा है मुझे? R&D प्रोजेक्ट्स, याद करने का तरीका हिंट दिया आपको ताकि आपको याद रहे पेपर में। टी से 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए जाते हैं इसमें। ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। और याद करने का तरीका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ये, किसको फॉलो करता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। पर्ट फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉइंट और याद रखते हैं, स्लैक इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है, पंजाब के पेपर में, एसडीयू में आया था, लोकल एमसी में, स्लैक इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। फिर एक पॉइंट और याद कर लेते हैं, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन केस ऑफ पर्ट। ये 7 पॉइंट साथ ही याद कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना टाइम बढ़ेगा भाई रिसर्च में उतनी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर रिसर्च हम जल्दी कर लेंगे तो उतनी कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। ये 7 पॉइंट्स हैं जो इसके रिलेटेड है, इससे बाहर नहीं आता आपको पर्ट के पेपर में। फिर या तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स वगैरह के ऊपर आएगा, अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे। राइट, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन FM में से है, पूछा जा रहा है जी आइडल फ्लूड कौन सा होता है, आइडल फ्लूड कौन सा है? बताइए आइडल फ्लूड, ए बी सी डी। आइडल फ्लूड इज डिफाइंड एज अ फ्लूड विच इज कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, या नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। बताइए, आइडल फ्लूड एग्जिस्ट नहीं करते जनरली, आइडल फ्लूड। वेरी गुड जी, हाइपोथेटिकल फ्लूड बोला जाता है, और गेंजी, वेरी गुड। तो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, आइडल फ्लूड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन, हाइपोथेटिकल होते हैं ये, फ्रिक्शनलेस मानते हैं हम इनको। आगे जी सोम, न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए हैं। इफ अ बीम इज फुली लोडेड विद यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी। बताइए इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। हाँ जी करण जी, गुड इवनिंग। बताइए जी इसका आंसर, सोम स्टार्ट हो गई है। देखिए इक्वेशन में क्या कह दिया उसने, यूवीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यूडीएल नहीं लग रहा इसमें, यूवीएल लग रहा है।
यूवीएल के केस में क्या हो जाता है, 1 डिग्री और हाई जाएगी नहीं जाएगी बताइए? यूवीएल बीम है फुली लोडेड विद यूवीएल, बताइए इसमें कितने सॉल्व करने वाला तो कुछ नहीं है। अच्छा अगर क्वेश्चन में यूडीएल आता तो क्या होता? यूडीएल देखिए क्यूबिक है, अगर यूडीएल आ जाता तो मेरी क्या होती? पैराबोलिक। अगर वर्ड यूडीएल आ जाता तो मेरी क्या होती? पैराबोलिक। अब क्या आया? यूवीएल। यूवीएल के केस में क्या हो जाता है? यूवीएल के केस में क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगी वेरिएशन। क्या हो जाएगी? क्यूबिक वेरिएशन, राइट? पैराबोलिक फॉर यूडीएल। ठीक है जी, फिर अगले क्वेश्चन में देखें। न्यूमेरिकल आ गया जी। हनी जी कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन में क्या था? यूवीएल था, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यूवीएल। तो यूवीएल में 1 डिग्री और हाई हो जाती है। अगर यूडीएल होता तो डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 8 हो जाता डायरेक्टली। अब यूवीएल है तो इसमें हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू हाइट जो होगी एच, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल आ गया जी, न्यूमेरिकल में बड़े कमेंट्स कम आते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में किसके कमेंट्स आते हैं। देन गुड, बताइए 49th का न्यूमेरिकल है। ड्यूटी, ड्यूटी कितनी दे रखी है? एरिया कितना दे रखा है? पहले तो एरिया दे रखा है 51 हेक्टेयर। वाटर सप्लाई कितनी दे रखी है? वाटर की सप्लाई कितनी दे रखी है? वाटर रिक्वायर्ड कितना है? 3। तो अगर मैं ड्यूटी की बात करूं, एरिया डिवाइड बाय वाटर रिक्वायर्ड, तो एरिया कितना है? 5100। वाटर रिक्वायर्ड कितना है? 3। तो 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर। और सिंपल अगर कभी ना समझ आए तो यूनिट्स उठा लेना, यूनिट्स के हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर, तो हेक्टेयर को ऊपर रख दो, क्यूबिक मीटर को नीचे रख दो, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। कई बार अगर आपको एफएम के फंडामेंटल यूनिट्स अच्छे से क्लियर है तो हम वहां से भी इसको सॉल्व करके कर सकते थे। बट ड्यूटी से तो क्वेश्चन आ गया इस बार, बट वैसे डेल्टा ड्यूटी के बीच में बहुत बार रिलेशन आता है, डेल्टा ड्यूटी के बीच में बेस पीरियड से बड़ी बार रिलेशन आता, बड़ा फ्रीक्वेंट फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। डी क्या होती है मेरी? ड्यूटी, डेल्टा, और बी क्या होता है? बेस पीरियड, सोनिंग टू हार्वेस्टिंग तक। बड़ी बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता, तो ये फॉर्मूला बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एज पर आईआरसी विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर अ सिंगल लेन। ठीक है जी आरती जी, ठीक है आंसर आपका। एज पर आईआरसी विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर अ सिंगल लेन, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, सबका आंसर सही आ रहा है, 3.75 मीटर सिंगल लेन। अब मुझे आपने बताना है, अगर डबल लेन पूछ लेते तो क्या
क्या आंसर होता? सिंगल लेन 3.75 मीटर। काफी बार स्टूडेंट्स कह रहे हैं, अभी मैं मैसेज आते हैं कि वीडियोस का कई बार पता नहीं लग पाता। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दोगे तो जैसी लाइव वीडियोस कोई भी अपडेट करने लगेंगे हम, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अपडेटिंग क्लासेस का भी आपके पास मैसेज आ जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब के साथ एक बेल बटन है उसको कर लेंगे। डबल लेन के लिए क्या आंसर हो जाएगा? इसी को डबल कर दें वैल्यू को, या क्या होगा, डिफरेंट होगा? करण जी थोड़ा सा गलत कर गए, 7 मीटर। इस केस में क्या हो जाता है, 7 मीटर इज द आंसर। हाँ जी, 7.5 गुरु जी डिवाइडर, बट क्वेश्चन में कभी डिवाइडर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्टली पूछते हैं डबल लेन में बताइए वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्टली रखना है कितनी होगी, 7। फिर देखते हैं, काफी मैथ से क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, ये रहा जी क्वेश्चन। तीन सेकंड है जी अगले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास 3 सेकंड हैं, जिन्होंने पूरी क्लासेस लगाई हैं। 3 सेकंड से अगर आपने ज्यादा लिए तो फिर देख लेना, फिर रह जाएंगे हमारे पेपर। 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने। 3 सेकंड है 56 नंबर क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, गुड गुड, अब तो समझ आ गया। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर में, तो 2 बार आ गया। पहले इन्होंने टेक्निकल इतना कम डाला, और कम डालने के बाद क्वेश्चन में भी जो पूछा गया वो भी काफी कम पूछा गया। तो डायरेक्टली जिप्सम, जिप्सम करता है ना जी, काफी बार क्वेश्चन आ रहा है जिप्सम के ऊपर। फिर देखते हैं जी कोई टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन कल जब हमने एफएम से क्वेश्चन करा था डायनेमिक आया था, फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था। आज देखते हैं किस फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब डायनेमिक, स्टैटिक, ये सारे फ्रिक्शन याद कर लूँ तो मेरा पेपर में से कुछ पार्ट्स बनने की संभावना हो जाएगी, मार्क्स अचीव ज्यादा कर पाएंगे इसमें। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा इसका, कौन सी फ्रिक्शन है ये? फ्रिक्शन के ऊपर कल भी एक क्वेश्चन आया था, आज भी एक पेपर में आ रखा है, बताइए। देखिए जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बियॉन्ड विच फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट इंक्रीज एंड द बॉडी बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बियॉन्ड विच फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट इंक्रीज द बॉडी बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से कम क्वेश्चन मिलते हैं हमारे पास। इस बार स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन लाई ऑन अ सेम प्लेन। फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज को प्लैनर कॉन्करंट, नॉन को प्लैनर कॉन्करंट, नॉन को प्लैनर कॉन्करंट, या को प्लैनर नॉन करंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी बताइए। मिक्स आ रहे हैं इसके आंसर्स, ठीक है। आते जी लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपके पीछे चल रही है थोड़ी वीडियो। स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का बताइए आंसर। द फोर्सेज वी डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे तो मीट नहीं कर रहे, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर ऑन द सेम प्लेन, प्लेन हमारा सेम है। बताइए, क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा आपको। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बड़े कम आते हैं स्ट्रक्चर में क्वेश्चन।
स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत कम दिखेंगे। फोर्सेस विच डू नॉट मीट एंड वन पॉइंट, बताइए, डू नॉट मीट एट वन एंड देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। आए नहीं अभी तक क्लास का आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए, हाँ जी, फोर्सेस उस लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन वाली कौन सी होती है? कोप्लैनर। तो कोप्लैनर तो है ये, तो क्या होगा? कोप्लैनर, सेम लाइंस मतलब कोप्लैनर होती है। डज नॉट लाई ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन से मुझे क्या पता लग गया? कोप्लैनर। डज नॉट मीट एट अ पॉइंट मतलब नॉन कॉन्करेंट है, तो क्या होगा? डी होगा इसका। नॉन कॉन्करेंट में क्या होगा? डी होगा। तो इसका आंसर कितना है? डी। को प्लानर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई टेक्निकल क्वेश्चन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट। स्ट्रक्चर से बड़े कम क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे बेसिक ही था ये स्ट्रक्चर का पार्ट। तो टेक्निकल क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा के ऊपर आए हुए हैं क्वेश्चंस। पॉलिटी से बड़े क्वेश्चन आते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल वाले पार्ट पे करते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा जीके से ही काफी क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के पेपर में। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सिविल इंजीनियर्स का हाथ तंग हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 नंबर की आती है इंग्लिश, क्लियरिफाई नहीं कर पाते सारे। जब उसमें आता है क्वेश्चन फाइंड द इनकरेक्ट वन, निकाल ही नहीं पाते, सारे करेक्ट लगते हैं। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस का ही पेपर था। राइट राइट, आज के पेपर में टेक्निकल क्वेश्चंस इतने ही आए थे। ये हरियाणा जेई का पैटर्न था, लेटेस्ट पेपर हुआ अभी ये। ठीक है, 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं पेपर को, हरियाणा जेई का पैटर्न था ये। कल एक नए पेपर के साथ मिलते हैं। किसी के कोई डाउट्स हो तो वो रुक सकता है, या किसी की कोई बात करनी है किसी की चीज के लिए वो रुक सकता है। बाकी हमारी क्लास से क्लास फ्री है। हाँ जी, कल एक नए पेपर के साथ मिलेंगे जी। नया पेपर लेकर आएंगे कोई स्टेट का। वीडियो खत्म होने के बाद आप मैसेज डाल दीजिएगा कि कौन सा पेपर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं। इन केस आपके पास कोई पेपर है पर्टिकुलरली, अगर आप उसको करवाना चाहते हैं सॉल्व यहाँ पे, तो edusphere@gmail.com पे उसको भेज दीजिएगा, आपको हम पेपर डाल देंगे, आपको पेपर भी आ जाएगा। और उसमें जब भी आप पेपर डालते हो तो हम आपका नेम वगैरह नहीं लगाते उसमें, हम खुद की हमारी जो कंटेंट टीम है पहले उसको टाइप करती है, फिर हम यहाँ पे लेकर आते हैं। राइट, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट गिनी जी, गुड नाइट हर्ष जी। कल एक आज पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, तो आज ऐसा मत करिएगा आज का एक पेपर हो गया तो ठीक है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास आज ज्यादा टाइम बच रहा है तो उसको यूटिलाइज करिए। हाँ जी मनोहर जी, क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? बताइए, नींद नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है? मैसेज नहीं आया आपका, क्या प्रॉब्लम है? आपने लिखा है सर एक प्रॉब्लम थी, कोई क्वेश्चन है किस चीज के रिलेटेड है?
नहीं आया मैसेज, कोई बात नहीं, कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपका मैसेज नहीं आया। अच्छा नींद की भी है और ओके। ओके गुरबीर जी, माय प्लेजर। रिजल्ट दीजिएगा बस आप, हमारी क्लासेस का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रिजिड पेमेंट से था तो आप, कोई बात नहीं, लाइव चैट में मत करिए, वैसे टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो आपको वैसे बता देंगे। रिजिड पेमेंट में किस चीज़ से ऊपर क्वेश्चन थे वो आप बता दीजिएगा, वो उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, लास्ट में कमेंट के बाद आपको उसको मैं रिप्लाई दे देंगे कि लाइव चैट चल रही है, ये एक बार ऑफ करनी होती है हमें। ठीक है, जैसे ही एंड होएगी स्ट्रीमिंग आप उसके बाद कमेंट में डाल दीजिएगा वो आपको प्रॉब्लम। इन केस कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा लगता है, पहले भी एक ऑब्जेक्टिव पे आया था हमने उसके ऊपर नीचे मैसेज में रिप्लाई कर दिया था। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट जी, गुड नाइट।